So, hi guys, welcome back again with the brand new video. तो guys, finally आप सभी के लिए एक और MIUI 13 special customization लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको control center काफी premium देखने को मिलेगा and setting वाइज भी आपको full change देखने को मिल जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। इस टाइप की वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहती है एंड ये थी MIUI 13 एंड 12 दोनों को सपोर्ट करेगी। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट एंड बात करते हैं। सबसे पहले इस सिम के होम स्क्रीन के बारे में, काफी कमाल की देखने को मिल जाती है, बट आपको इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करना है। आपको स्क्रीन के ऊपर जूम इन करना है एंड आपको यहाँ पे विजिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे क्लॉक विजिट देखने को मिल जाएगी एंड ये वाली आपको क्लॉक विजिट ऐड कर लेनी है एंड ये क्लॉक विजिट आप जैसे थीम अप्लाई करोगे आपके सामने आ जाएगी एंड उसके बाद आपको यहाँ पे सेट करना होगा। एंड देखने में यार होम स्क्रीन काफी प्रीमियम देखने को मिलेगी एंड ये काफी अच्छा लुक प्रोवाइड करेगी। एंड साथ ही बात करें इस थीम के आइकन्स के बारे में, वो भी कमाल के देखने को मिल जाते हैं, जहां पे सिस्टम आइकन्स एंड नॉर्मल आइकन्स पे डिफरेंट टाइप का लुक देखने को मिल जाता है एंड आपको कलर भी काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाता है एंड देखने में यार सही लगता है। साथ ही आगे बात करें इस थीम के सबसे मेन हाईलाइट फीचर के बारे में, जो इसका कंट्रोल सेंटर, आपको फुल चेंज देखने को मिल जाता है जहां पे आपको बैकग्राउंड काफी यूनिक देखने को मिल जाता है एंड यहां पे कंट्रोल सेंटर के टोंगल्स भी चेंज हो जाते हैं जिनमें आपको लुक काफी प्रीमियम देखने को मिल जाता है एंड ब्राइटनेस लेवल भी आपको चेंज देखने को मिल जाती है। साथ ही यहां पे डिफरेंट टाइप का आपको कलर भी देखने को मिल जाता है एंड सभी टोंगल्स आपको यहां पे चेंज देखने को मिल जाता है। आगे बात करें इस थीम के नोटिफिकेशन पैनल के बारे में, उसका लुक भी आपको डिफरेंट टाइप का देखने को मिल जाता है जो कि यार कंप्लीट चेंज हो जाता है। एंड आगे बात करें इस थीम के सेटिंग के बारे में, वो भी कंप्लीट चेंज हो जाती है जहां पे आपको लुक काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाता है। बैकग्राउंड की बात करें आपको जैसा होम स्क्रीन में देखने को मिलता है वैसा ही देखने को मिलता है एंड यहां पे फॉन्ट की बात करें आपको व्हाइट कलर की देखने को मिल जाती है जो कि यार देखने में सही लगती है। साथ ही यहां पे सिस्टम आइकन्स के टोंगल्स की बात करें वो भी आपको कंप्लीट चेंज देखने को मिल जाता है एंड लुक अच्छा देखने को मिलता है। अबाउट फोन के बारे में बात करें, अबाउट फोन भी आपको कंप्लीट चेंज देखने को मिल जाता है। फोन की पैड के बारे में बात करें वो भी आपको कंप्लीट चेंज देखने को मिल जाता है जो कि आपको लाइट मोड में कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है एंड डार्क मोड में आपको डिफरेंट टाइप का देखने को मिल जाता है एंड देखने में सही लगता है। यहाँ पे बैकग्राउंड व्हाइट कलर का देखने को मिल जाता है एंड फोन कीपैड में आपको डिफरेंट टाइप के आपको कलर भी देखने को मिल जाता है। बट आपके पास MIUI का फोन डायलर होगा तो ही चेंज होगा, गूगल डायलर होगा तो वो चेंज नहीं होगा एंड लुक काफी अच्छा लगता है। साथ ही वॉल्यूम बार के बारे में बात करें, वॉल्यूम बार आपको नॉर्मल साइज देखने को मिलेगा, ज्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड साथ ही आगे बात करें इस थीम के लॉक स्क्रीन के बारे में, लॉक स्क्रीन आपको नॉर्मल से देखने को मिलेगी, ज्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट आपको इस थीम में एक डिफरेंट टाइप के चार्जिंग एनिमेशन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड देखने में सही लगता है एंड ये थीम डार्क मोड और लाइट मोड दोनों को सपोर्ट करती है। साथ ही आगे बात करें इस थीम को डाउनलोड कैसे करना है, तो आपको थीम स्टोर एपीके ओपन करना है एंड आपको ये वाला नेम सर्च कर लेना है जो कि 54.7 MB की थीम है एंड काफी इंटरेस्टिंग थीम है। इस थीम को आप अप्लाई कर सकते हो एंड डार्क मोड और लाइट मोड दोनों में यूज कर सकते हो। ये थी एक छोटी सी वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इस टाइप की वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहती है।